नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। जो दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, मतलब कि हम बात करेंगे TTML के बारे में। इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छी, हमें इसमें रैली देखने को मिली थी ऑलमोस्ट 30 रुपये के लेवल के आसपास से। इसमें हमें 290 तक ये शेयर हमें जाता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद से हमें इसमें गिरावट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल चुकी है। अब बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये गिरावट हमें देखने को मिली है, ये गिरावट आपको इस प्रकार कब तक देखने को मिलेगी, इसका सपोर्ट का लेवल कौन सा रहने वाला है, और जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या लें, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पर अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ में जो है कब जाके इसमें आपको फिर से अपर सर्किट का सिलसिला देखने को मिलेगा, और ये पर डे आपको अपर सर्किट लगाता हुआ कब से देखने को मिलने वाला है आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तुम्हारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आके जुड़ सकते हैं, इसमें आपको हम फ्री में इंट्राडे ट्रेड, BTST स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पेनी स्टॉक में डील करते हैं या आप जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलेगी इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर क्लिक करके ग्रुप को बिल्कुल ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, और वो 2400 के आसपास हमारे मेंबर हैं, तो आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को है TTML में फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे को देखिए इसमें में अगर आप गौर करें तो इसमें ओपनिंग हुई थी 102 रुपये 70 पैसे पर, और ओपनिंग का देखिए कुछ देर के लिए हमें इसमें सर्किट भी टूटता हुआ देखने को मिला था। अगर आप देखें तो उसका हाई कितना है, 104 का हमें इसमें हाई देखने को मिला था, मतलब कि कुछ देर के लिए हमें इसमें सर्किट टूटता हुआ देखने को मिला था, और ये एक संकेत है कि आपको इसमें कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, मतलब कि इसमें हमें बायर्स भी एक्टिव देखने को मिल रहे हैं, तभी तो ये हमें सर्किट ओपनिंग हुई लोअर सर के साथ में। और उसके साथ ये देखिए क्या हुआ इसमें, फिर हमें थोड़ा सा हाई लगाने के बाद दोबारा से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसमें सेलर्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहे हैं कंपेयर टू बायर्स, तो इसलिए इसमें हमें फिर दोबारा से लोअर सर्किट लगा और पूरा दिन हमें इसमें लोअर सर्किट ही देखने को मिला है। और अब ये शेयर देखिए ऑलमोस्ट 102 रुपये 70 पैसे पर पहुंच चुका है। बात करें 1 वीक में, तो अगर आप देखिए 1 वीक में इसमें ऑलमोस्ट 8.30% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और 1 मंथ में देखा जाए तो लगभग 40.36% की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर आप इसके टॉप से कंपेयर करें, टॉप का आप देखें तो इसका टॉप जो था वो लगभग 290 रुपये 15 पैसे का था, और वहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो लगभग 64.60% की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है उस टॉप के बनने के बाद से। अब बात करते हैं कि इसमें आपको मंडे के दिन क्या होने वाला है, मंडे को आप इसमें कैसा क्या मूव ले सकते हैं। तो अगर आप देखें तो लगभग जो अपना वॉल्यूम था फ्राइडे को वो 12 लाख के आसपास था, 12,18,630 शेयरों का इसमें ट्रेड हुआ था, और लगभग देखिए 89,202 शेयरों का हमें सेलिंग साइड पर ऑर्डर देखने को मिल रहा है, मतलब कि देखें तो सेलिंग प्रेशर में लगातार कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस शेयर के लिए। और जो अपना फ्राइडे को सर्किट भी टूटा है वो भी एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसमें आप धीमे धीमे सेल्स कम हो रहे हैं और धीमे धीमे आपको बायर्स भी इसमें बहुत जल्द एक्टिव देखने को मिलेंगे, और देखिए सेलिंग प्रेशर भी हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है, लगभग 89 लाख के आसपास हमें ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं सेलिंग से पहले, क्योंकि कुछ दिन पहले ये ऑर्डर जो थे वो लाखों में हुआ करते थे, अब लाखों से जो है ये हज़ारों में आ चुके हैं, और कुछ दिन बाद ये आपके जीरो भी देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। अब बात करते हैं कौन सा इसमें लेवल इंपॉर्टेंट है, पहले बात करते हैं मंडे को क्या होगा। तो मंडे को आपको काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका ये नेगेटिव साइड ही देखने को मिलेगा, और डाउन साइड में ये शेयर आपको मंडे को भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम देखिए आज कितना था फ्राइडे को 12 लाख के आसपास था, और अगर ये वॉल्यूम आपका बढ़ता है, मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास वॉल्यूम पहुंचता है, तो जरूर इसमें आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। बाकी वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें अपर सर्किट लगाने के लिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि कोई बड़े खिलाड़ी इसमें एंट्री ले रहे हैं, और बड़े खिलाड़ी की एंट्री लेने का मतलब है कि शेयर फिर अपसाइड मूव दिखाने वाला है, तो आपको ग्रीन कैंडल फिर बनती हुई देखने मिलेगी अगर मंडे को वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें हमें कौन से लेवल पर फोकस करना है, कहाँ पर आपका जो है मेन फोकस होना चाहिए, तो उसके लिए देखें चार्ट पर। चार्ट पे हमने आपको जो लेवल दिया था वो ये था 106.05 का, तो देखिए 106 पर इसने ये सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेके देखिए इसमें क्या हुआ है, हमें इसको अब ये तोड़ता हुआ नीचे में देखने को मिल रहा है। और जब ये सपोर्ट इसने लिया था, जब यहाँ पर इसने 106 पर सपोर्ट लिया था, तब हमने आपको बोला था कि जो लोग भी शॉर्ट टर्म वाले हैं तो वो लोग क्या करें, यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट में प्रॉफिट वाले मैंने बोला था कि ये निकल सकते हैं इसमें, और लॉस वाले क्या करें होल्ड करें। मैंने ये चीज़ जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में बोली थी, क्योंकि जो लॉस में है
वो लोग लॉस अपना रिकवर करके निकले, क्योंकि लॉस में निकलने का कोई भी मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंपनी अच्छी है और जितना लॉस हुआ है वो रिकवर आराम से आपका हो जाएगा, इसकी तो बिल्कुल गारंटी है। आपको बस सब्र रखना पड़ेगा, अगर आपका लॉस हो रखा है, अगर आपने लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया था और आपका लॉस है, या आपने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया था और आपका लॉस है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। लॉस के अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप इसको होल्ड करें, कोई समस्या की बात नहीं। आपको इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको एफर्ट नहीं लगाना है, तो आप एवरेज कर लें। अगर आप एवरेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, इसमें अपना होल्ड कीजिए, जितना भी आपका लॉस हुआ है वो आराम से रिकवर ये शेयर कर देगा, बिल्कुल 100% आप जो है इसकी अपना निश्चिंत होकर बैठे, ठीक है। अब बात करते हैं जिन लोगों को इसमें बाइंग करनी है, तो बाइंग इसमें आप क्या करें, अभी अवॉइड करें। बाइंग क्यों अवॉइड करें, देखिए तो आप बोलेंगे सर बाइंग करने का तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसका RSI लगभग 27 चल रहा है, मतलब कि ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है लगभग, देखिए तो मतलब ये एक बोल रहे थे एक बाउंड्री लेयर पर है, कि इसके बाद आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक ये हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाए कि इसमें तेजी आने वाली है, तब तक आप इसमें बाइंग नहीं करेंगे। मतलब कि अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि ये एक लेवल पर जाके अभी सस्टेन नहीं किया है, क्योंकि अगर आप देखें जब इसमें बिल्कुल एक लेवल पर जाके ये सस्टेन कर जाए, जब इसमें एक कंसोलिडेशन का फेस हमें देखने मिले कि हाँ अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसने एक आधा तेज ने एक छोटी सी बना के कंसोलिडेट कर दिया, तब जाके आप इसमें अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बाकी अभी इसमें बाइंग अवॉइड करें, क्योंकि आपको कुछ दिन इसमें गिरावट प्लस आपको ये छोटी सी रेंज बना के, आपको मान लीजिए कि छोटी रेंज है 10 रुपये के आसपास की या 5 रुपये के आसपास की, तो ये यहाँ पर फिर एक घूमता हुआ आपको देखने मिलेगा और आपको थोड़ा सा इसमें परेशानी फिर हो सकती है, क्योंकि ये शेयर पर बढ़ेगा नहीं कुछ दिन, मूव इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए बाइंग अभी इसमें अभी अवॉइड कर दें। जब ये इसलिए एक लेवल पर जाकर सस्टेन कर जाए तब जाके आप इसमें अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बाकी आपका सपोर्ट का लेवल अभी कौन सा है, वो आपका 97 रुपीज़ 10 पैसे का सपोर्ट नंबर 1 अभी के लिए रहने वाला है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट का लेवल रहेगा जो है आपका 97 रुपीज़ 10 पैसे, और आप यहाँ पर चाहें तो अपनी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करके रख सकते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म में बाइंग करनी है तो। बाकी अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है तो शॉर्ट टर्म में अभी आप इसमें निवेश ना करें, क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी मूव जो है आपको अपसाइड में देखने को नहीं मिलने वाली कुछ दिन तक, ठीक है, इसलिए अभी बाइंग ना करें। बाकी अब बात करते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट में, वो लोग क्या करें, चाहे तो अभी टेम्पररी रूप से वो लोग इसमें निकल सकते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया था जिन्होंने भी, और वो लोग प्रॉफिट में, तो आप चाहे तो इसमें अभी टेम्पररी बेस पे निकल सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में है तो ही निकलें, लॉस में है तो आप इसमें होल्ड करें, क्योंकि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि आप निकलने का बोल रहे हैं, पहले आप होल्ड करने को बोल रहे, तो देखिए मैं होल्ड करने को बोल रहा हूँ जो लॉस में, जो प्रॉफिट में मैं उनको निकलने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप पूरी बात समझ लें पहले, फिर जाके आप कमेंट बॉक्स में कुछ बोलें। तो इसलिए अभी आप इसमें होल्ड करें अगर आपका लॉस है, बाकी लॉन्ग टर्म वाले इसमें होल्ड ही करेंगे, और शॉर्ट टर्म वाले जिनका प्रॉफिट है वो चाहे तो अभी इसमें निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिन मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो आपके रुकने का ज़्यादा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बाइंग इसमें अभी अवॉर्ड करें, बाकी कंपनी इंप्रूव कर रही है और कंपनी को देखें, अभी CIA की तरफ से अवार्ड भी मिला है, क्योंकि कंपनी बहुत तेज ग्रो कर रही है और कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, एक जो अपना 1.5 साल रहा है इसमें कंपनी ने काफ़ी इंप्रूव किया है और लोगों का काफ़ी भरोसा जीता है, तो इसलिए इस कंपनी पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल आप इस कंपनी में पैसा निवेश कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लॉस में ना निकलें, क्योंकि आपका जो भी लॉस है वो रिकवर आराम से हो जाएगा। बाकी आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट जो है वो 290 का है, और शॉर्ट टर्म का आपका टारगेट जो है वो 127 रुपये 20 पैसे का रहेगा, 127.20 आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहने वाला है। बाकी ये थे लेवल्स और यहीं तक था वीडियो, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार नंबर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपने लिए पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।